एक क्वेश्चन नोट हटा लो बैग जिसका भी, इधर रख दो, लाओ मुझे दे दो, मैं रख देता हूँ, दे दो। हाँ जी, क्वेश्चन है, अ ट्रक ऑफ मास कैपिटल एम इज मूव्ड अंडर अ फोर्स कैपिटल एफ। A truck of mass capital M is moved under a force capital F, full stop. If the truck is then loaded If the truck is then loaded with an object equal to the किसने? नहीं तो दो दिन से आ नहीं रहा, छोड़ दिया, नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो शायद नहीं छोड़ा होगा, बाकी मुझे बताया नहीं उसने। If the truck is then loaded with an object equal to the mass of the truck equal to the mass of the truck equal to the mass of the truck and the driving force is halved then how does the acceleration change? Then how does the acceleration change? लीजिए। हाँ जी, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दिया है हमको कि अ ट्रक ऑफ मास कैपिटल एम इज मूव्ड अंडर अ फोर्स कैपिटल एफ। वो एक ट्रक है जिसका कि मास कैपिटल एम है और उस पर उसमें मूवमेंट उसको दिया जाता है, उस पर एक फोर्स लगाते हैं कैपिटल एफ। तो ये एक ट्रक है और इसका मास है कैपिटल एम और फोर्स लगती है इस पर, ड्राइविंग फोर्स जो इसका इंजन इस पर फोर्स लगाता है वो लगाता है कैपिटल एफ। तो इफ द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक एंड द ड्राइविंग फोर्स इज हार्ड देन हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंज। ठीक है, तो पहले तो ये जो ओरिजिनल केस दे रखा है इसको बोल देंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट तो हम ये कहेंगे सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, भाई न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से ए कितना हो गया, एफ अपॉन एम, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। अब आ जाइए केस सेकेंड पर। अब वो क्या कह रहे हैं कि इफ द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक, यानी कि अब जो मास है वो एम डैश, अब जो मास है वो कितना हो जाएगा, जो ट्रक का ओरिजिनल मास है वो तो कैपिटल एम है, उस कैपिटल एम में कैपिटल एम ही और ऐड हो गया। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपने उस ट्रक का मास उसके ऊपर और लोडिंग कर दी, कितना लोड डाल दिया, जितना ट्रक का खुद का मास है उतना ही लोड और डाल दिया उस पर, वो एम प्लस एम कितना हो गया, 2m, ये हो गया। अच्छा, और वो बोल रहे हैं एंड द ड्राइविंग फोर्स इज हार्ड, जो ड्राइविंग मतलब जो ड्राइवर जो इंजन इसका फोर्स लगा रहा है, ड्राइविंग वाली फोर्स, वो जो फोर्स है वो आधी कर दी जाती है, तो एफ डैश जो है वो है एफ बाई टू, ये हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि नाउ हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंज, तो फिर से लिखेंगे भाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है एफ डैश इज इक्वल टू एम डैश इन टू ए डैश। मेरे को ए डैश निकालना है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन एम डैश। तो ए डैश इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन एम डैश, तो एफ डैश डिवाइडेड बाई एम डैश हो गया एक तरह से, एफ डैश डिवाइडेड बाई एम डैश। हाँ जी, एफ डैश कितना है, एफ बाई टू डिवाइडेड बाई एम डैश कितना है, टू एम। तो एफ अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई, जब डिवाइड होता है तो ये ऐसे हो जाता है, ऊपर वाले से इससे ये मल्टीप्लाई, एफ इंटू वन इज एफ, और ये हो गया टू इंटू टू इज फोर एम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन फोर इंटू एफ अपॉन एम। और जो एफ अपॉन एम है, एफ अपॉन एम हमारा ओरिजिनल एक्सेलरेशन था, ठीक है ना, ये ओरिजिनल एक्सेलरेशन था। तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर इंटू ए, दैट इज एक्सेलरेशन बिकम्स, एक्सेलरेशन बिकम्स वन फोर्थ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसका वन फोर्थ हो जाता है एक्सेलरेशन, इतना है, बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, और बताओ कौन सा डाउट था। सिक्स्थ, सिक्स्थ, प्रूव दैट टू की पावर वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री की पावर वन बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई फोर की पावर वन बाई फोर अपॉन टेन की पावर माइनस वन अपॉन फाइव। टेन की पावर माइनस वन अपॉन फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव की पावर थ्री अपॉन फाइव। डिवाइडेड बाई थ्री की पावर फोर बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव की पावर माइनस सेवन अपॉन फाइव अपॉन फोर की पावर माइनस थ्री अपॉन फाइव। फोर की पावर माइनस थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाइड बाई सिक्स इज इक्वल टू टेन, ठीक है। ये चीज प्रूव करनी है, देखिएगा कैसे करेंगे। हाँ, स्लैश लगाकर थ्री अपॉन फाइव ऐसे लिख दिया। अब आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर दे रखा है ये टू की पावर वन बाई टू, थ्री की पावर वन बाई थ्री, फोर की पावर वन बाई फोर, तो इसमें जो भी नंबर ऐसे हैं जो स्प्लिट हो सकते हैं उनको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। कैसे, स्प्लिटिंग का मतलब क्या है वो देखिएगा। जैसे मेरे को ये टोटल जो रिजल्ट है इसका वो टेन के बराबर आना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया टू की पावर वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है थ्री की पावर वन बाई थ्री, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये फोर की पावर वन बाई फोर है, तो मैं फोर को क्या लिख सकता हूँ टू की पावर टू, है ना। तो हमने फोर की जगह लिख दिया टू की पावर टू और इसकी पावर वन बाई फोर अपॉन टेन की पावर माइनस वन बाई फाइव। तो ये जो टेन की पावर माइनस वन बाई फाइव है इसको हम क्या लिखेंगे, टेन को स्प्लिट करेंगे। जैसे फोर को स्प्लिट करा तो फोर की स्प्लिटिंग क्या होती है टू इंटू टू, तो इसलिए उसको टू का स्क्वायर लिख दिया, है ना। ऐसे ही जो टेन है टेन की स्प्लिटिंग क्या होगी फाइव इंटू टू, ठीक है। तो इसको लिख देंगे फाइव इंटू टू k
की पावर माइनस वन बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई, ये है फाइव की पावर थ्री बाई फाइव, फाइव की पावर थ्री बाई फाइव, फिर ये डिवाइड का सिंबल है, तो जरा इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करिए, ठीक है, और इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। अरे नहीं, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा भाई, अभी तो आप ये देखिए ना, इस वाले में मैंने स्प्लिटिंग करी है केवल, ठीक है, और अब आप इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो फोर की पावर माइनस थ्री बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई, ये सिक्स है, इसको सिक्स को ऊपर ले जाओ, सिक्स लिख दो, और यहाँ थ्री की पावर फोर बाई थ्री और इंटू फाइव की पावर माइनस सेवन बाई फाइव, ये हो गया टू की पावर वन बाई टू, ये हो गया थ्री की पावर वन बाई थ्री, ये हो गया पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो टू की पावर टू इंटू वन बाई फोर, तो टू टू ज़ा फोर, तो टू की पावर वन बाई टू हो गया डिनोमिनेटर में, फाइव की पावर माइनस वन बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू की पावर माइनस वन बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव की पावर थ्री बाई फाइव, फिर से मल्टीप्लाई बाई, अब ये जो फोर है इसको क्या लिखेंगे, टू की पावर टू, तो टू की पावर टू की पावर माइनस थ्री बाई फाइव, ये जो सिक्स है इसको क्या लिखेंगे, टू इंटू थ्री अपॉन थ्री की पावर फोर बाई थ्री, लिख दो थ्री की पावर फोर बाई थ्री इंटू फाइव की पावर माइनस सेवन बाई फाइव, ये हो गया, ठीक है। अब एक काम करना है कि जो लाइक पावर्स हैं, लाइक जो टर्म्स हैं वो देखते रहेंगे सारी की सारी, तो जैसे यहाँ पर था टू की पावर वन बाई टू, यहाँ पर भी टू की पावर वन बाई टू, और यहाँ क्या है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे टू की पावर माइनस सिक्स बाई फाइव, ये टू है, इस टू को क्या बोलेंगे, टू की पावर वन, थ्री को क्या बोलेंगे, थ्री की पावर वन, तो सारे टू पहले एक जगह इकट्ठे कर लो। अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में टू थ्री और फाइव हैं, तीन टर्म्स हैं, उनकी पावर अलग अलग आ रही है, ठीक है, तो वो देखते हैं। जैसे टू की पावर वन बाई टू प्लस वन बाई टू, टू इंटू माइनस थ्री बाई फाइव क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स बाई फाइव, माइनस सिक्स बाई फाइव प्लस वन, ये हो गया, तो ये एक दो तीन और चार, ये चार ले लिया हमने टू, एक टू नीचे भी लिखा हुआ है, टू की पावर माइनस वन बाई फाइव, ये ऊपर आकर हो जाएगा प्लस वन बाई फाइव, यहां तक बताइए सभी को क्लियर है, ठीक है, ये तो टू हुआ। अब जरा थ्री की बात करते हैं, अब थ्री की बात करते हैं, तो थ्री देखिएगा क्या है, थ्री की पावर वन बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री की पावर वन बाई थ्री, ठीक है, और क्या है, थ्री थ्री की पावर वन तो प्लस वन, नीचे है थ्री की पावर फोर बाई थ्री, तो ये ऊपर आकर हो जाएगा माइनस फोर बाई थ्री, ये थ्री कंप्लीट हो गया। अब फाइव देखिएगा, तो न्यूमरेटर में कहीं पर भी फाइव नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर में एक दो तीन, ये तीन फाइव्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर ही ले आओ, तो फाइव की पावर माइनस वन बाई फाइव, ऊपर आकर क्या होगा, फाइव की पावर प्लस वन बाई फाइव, फाइव की पावर थ्री बाई फाइव, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री बाई फाइव, फाइव की पावर माइनस सेवन बाई फाइव, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, प्लस सेवन बाई फाइव, हो गया। इसके बाद देखिएगा, अब जितनी भी टर्म्स हैं उनको सबको ऐड करते चले जाओ, तो ये टू की पावर वन बाई टू प्लस वन बाई टू कितना हो जाएगा, वन, और इधर वन है ही वन, ये वन बाई टू प्लस वन बाई टू इज वन, और ये वन, तो वन प्लस वन ये माइनस सिक्स बाई फाइव प्लस माइनस वन बाई फाइव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स प्लस वन अपॉन फाइव, समझ गए, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई थ्री की पावर वन बाई थ्री माइनस फोर बाई थ्री, तो वन माइनस फोर अपॉन थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई बाई, अब जरा फाइव की बात करते हैं, तो सबकी अपॉन में सबके फाइव है, तो फाइव की पावर वन माइनस थ्री प्लस सेवन अपॉन फाइव, ये हो गया। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा मेरे पास टू की पावर वन प्लस वन इज टू, माइनस सिक्स प्लस वन इज माइनस फाइव, तो माइनस फाइव अपॉन फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री की पावर वन माइनस फोर इज माइनस थ्री, माइनस थ्री अपॉन थ्री प्लस वन
मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 7 प्लस का 7 प्लस का 1, 7 प्लस 1 इज 7 प्लस 1 इज 8, 8 माइनस 3 इज 5, तो 5 की पावर 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया 2 की पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की 3 की पावर माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, ये रह गया प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 1 मतलब 5, तो रिजल्ट इज 10। ठीक है जी, और बताइए, और कोई डाउट किसी का? हाँ हाँ अरे मैं तो ऐसे ही मुस्कुरा रहा हूँ। चलिए जी, तो कौन सा पूछ रहे हैं? फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम अभी करवा रहा हूँ, नहीं? चलिए रुद्रांश, कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है, तो अभी तो जो आपके एग्जाम से उन्हीं के हिसाब से जिसका जो डाउट है वही ले रहे हैं। Gracias.
स्टेटलेस सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन व्हाट इज द रेशियो सी के व्हाट्स इक्विवेलेंट जुपिटर जुपिटर सरफेस ऑफ अर्थ देखिए ये जुपिटर वाला तो पता नहीं है तो देखना पड़ेगा भाई क्योंकि जुपिटर पर क्या वैल्यू होती है ये तो पता नहीं इसमें दे नहीं रखा कुछ स्मॉल जी की वैल्यू जैसे ही बोल रहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्मॉल जी ऑन अर्थ इक्वेटर एंड जुपिटर वैल्यू ऑफ वेट अच्छा अर्थ इक्वेटर इक्वेटर पर वेट कितना होगा अच्छा अच्छा ये तो पूरा केस स्टडी है हाँ 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 बता दें पूछ लेना इस क्वेश्चन में ये दे रखा है जो पूरा इसकी केस स्टडी है एक बार मैं पढ़कर बता देता हूँ एवरी ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मास एग्जर्ट्स अ ग्रेविटेशनल पुल और फोर्स ऑन एवरी अदर मास ये हमें पता ही है कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना इसी को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं उसके बाद है द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पुल डिपेंड्स ऑन द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट प्ले ग्रेविटी कीप्स द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन एंड द मून अराउंड द अर्थ तो जो ग्रेविटी है ग्रेविटी प्लैनेट को ऑर्बिट में रखती है अराउंड द सन एंड द मून अराउंड द अर्थ ग्रेविटी की वजह से ही जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अर्थ सन के चारों तरफ गोल 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 घूमते रहते हैं उसके बाद योर वेट ऑन अदर प्लैनेट्स इज अ रिजल्ट ऑफ योर मास द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट एंड द डिस्टेंस यू आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट तो आपका जो वेट है वो इसी ग्रेविटी का नतीजा है इसी ग्रेविटी की वजह से वो वेट निकल कर आता है फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यूज ऑफ वेट ऑफ मास 25 किलोग्राम ऑन डिफरेंट सर्फेसिस तो पूरी कहानी जो वो तो इन्होंने बताया ग्रेविटी क्या होती है ग्रेविटेशन क्या होता है उसके बारे में बताया अब एक टेबल दे रखी है तो फॉलोइंग टेबल मैं वो लिख रहा हूँ फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यूज ऑफ वेट gives the values of weight of mass 25 kilogram of mass 25 kilogram on different surfaces yahan likhenge name of place
फिर आएगा वैल्यू ऑफ वेट, वैल्यू ऑफ प्लेट, अब नेम वैल्यू ऑफ वेट, ए अर्थ इक्वेटर, फिर है सेंटर ऑफ अर्थ, नोट कर लीजिए सभी बच्चे, फिर है सरफेस ऑफ अर्थ, फिर है जुपिटर, और फिर है मून। मून तो अर्थ इक्वेटर ये है, इस पर जो वेट है वो कितना दे रखा है, 245 न्यूटन। सेंटर ऑफ अर्थ पर वेट कितना दे रखा है, 0 न्यूटन। सरफेस ऑफ अर्थ पर दे रखा है 6850 न्यूटन, 6850 न्यूटन, ये सरफेस ऑफ अर्थ पर है। जुपिटर पर दे रखा है 612.5 न्यूटन, जुपिटर पर है 612.5 न्यूटन, और मून पर दे रखा है 40.8 न्यूटन। ठीक है, और अब जरा देखिए क्या हो गया, लगातार बात हो रही है फोन में, क्या हो गया तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ, ये तुम कर रहे हो बातें, बातों की लगातार आवाज आ रही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट देखिए क्या दे रखा है, स्मॉल जी ऑन अर्थ इक्वेटर, स्मॉल जी ऑन अर्थ इक्वेटर एंड जुपिटर, एंड जुपिटर। ठीक है, तो पहला पहली तो ये पूछ रहे हैं, स्मॉल जी ऑन अर्थ इक्वेटर एंड जुपिटर। तो इसमें क्या करना होगा कि आपको स्मॉल जी, आपको रेशियो निकालना है स्मॉल जी का, अर्थ के इक्वेटर पर स्मॉल जी कितना है और जुपिटर पर कितना है, उन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अर्थ के इक्वेटर पर वेट कितना आ रहा है, 245 न्यूटन। ठीक, तो हम ये कहेंगे वेट, वेट ऑन इक्वेटर इज इक्वल टू 245 न्यूटन, वेट ऑन इक्वेटर इज इक्वल टू 245 न्यूटन। इक्वेटर पर वेट इतना दे रखा है ना, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 25 किलोग्राम, तो वेट क्या होता है, m इंटू स्मॉल g। अब स्मॉल g जो है उसको मैं लिखूंगा, स्मॉल g के नीचे सबस्क्रिप्ट में स्मॉल e लिख दो, स्मॉल e का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, तो ये ऐसे स्मॉल g और सबस्क्रिप्ट में ई लिख दिया, तो ये हो गया 245। तो स्मॉल जी, ई की वैल्यू कितनी हो गई, 245 अपॉन स्मॉल एम, स्मॉल एम कितना है, 25 किलोग्राम, मैं अभी उसकी वैल्यू डाल नहीं रहा हूँ, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया बस। ठीक है, उसके बाद तो ये तो आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर। अब निकालेंगे जुपिटर, जुपिटर पर वेट कितना दे रखा है, 612.5 न्यूटन, वेट ऑन जुपिटर, जुपिटर पर वेट दे रखा है 612.5 न्यूटन, 612.5 न्यूटन। स्मॉल एम इंटू जी, और यहां सबस्क्रिप्ट में जे लिख दिया, जे फॉर जुपिटर इज इक्वल टू 612.5, तो जी जे is equal to 612.5 upon small m। हमसे क्या पूछ रहे हैं वो, हमसे ये पूछ रहे हैं कि small g का जो इक्वेटर पर वैल्यू है
और स्मॉल जी की जो जुपिटर पर वैल्यू है उन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है? तो उन दोनों का रेशियो किस तरह से निकलेगा वो देखिएगा। जीई अपॉन जी जे, तो जीई कितना हो गया 245 अपॉन एम, डिवाइडेड बाय जी जे, ये कितना है 612.5 अपॉन एम। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होकर रेसिप्रोकल हो जाता है इधर, तो 245 अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय एम अपॉन 612.5, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से डेसिमल गया तो एक जीरो आ गया ऐसे, ठीक है? तो ये न्यूमरेटर में क्या हो गया 2450 अपॉन 6125। ऐसा होता है कि अगर कोई भी हमारे पास नंबर है उसमें लास्ट में अगर 50 आ रहा है या लास्ट में अगर 25 आ रहा है तो वो नंबर 25 से जरूर डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना? 25 से जरूर हो जाता है डिवाइड। तो 25 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 25 के टेबल में 245 नहीं आएगा, 25 नाइनजा होता है 225, 245 माइनस 225 इज 20, 20 के आगे जीरो लगाएंगे 200, तो 25 एटजा 200। फिर 25 से इसको डिवाइड करते हैं तो 25 टूजा 50, 25 टूजा 50, 61 माइनस 50 इज 11, 11 के आगे 2 लगा दिया तो 112, तो 25 फोरजा 100, 112 माइनस 100 इज 12, 12 तो 12 के आगे 5 लगा दिया 125, 25 फाइवजा 125, ये हो गया। मुझे मालूम है कि 14 के टेबल में आता है 98, 14 सेवन जा 98 होता है, 14 से अगर इसको डिवाइड करके देखें तो 14 अच्छा ये वाला अच्छा कैसे मुझे लगता है अब और कुछ फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं इसमें, ठीक है ना? क्योंकि 98 एक तो 24 के टेबल में आएगा, 24 से भी नीचे वाला तो डिवाइड हो नहीं रहा है, और बस यही है फिर 98 अपॉन, क्योंकि 14 से भी ये डिवाइड होगा नहीं। टू फोर्टी फाइव ये 29 के टेबल में तो नहीं आता, 29 के टेबल में 245 आएगा, सोचो जरा, 29 फाइव्स आ हो गया, 29 फाइव्स आ देखो ना, 35 आ नहीं नहीं होगा ना, 145 आ रहा है, 39 फाइव्स आ फाइव नाइन जा 45, फाइव फोर जा 49, फाइव जा हो गया 49, फाइव जा 49, टू जा ये रेशो आ गया हमारे पास 2/5। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा था, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट इज द रेशो ऑफ कैपिटल जी, व्हाट इज द रेशो ऑफ, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कैपिटल जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून, तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो कैपिटल जी तो अर्थ पर भी उतना ही है और मून पर भी उतना ही है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, क्या रेशो आएगा 1:1, रेशो आएगा 1:1। ये लास्ट वाला भी बताना है, स्टेट द कंडीशंस। एक क्वेश्चन और नोट करिए, इस तरफ लिख रहा हूं,
स्टेट द कंडीशन अंडर विच स्मॉल जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कैपिटल जी. स्टेट द कंडीशन अंडर विच small g is numerically equal to under which small g is numerically equal to capital G. तो आपको वो conditions बतानी है जहां पर small g capital G के equal होगा. तो relation मालूम है small g और capital G में क्या होता है? बोलो. स्मॉल जी इज इक्वल टू ठीक है. तो स्मॉल जी कैपिटल जी के इक्वल हो जाए वो तभी हो सकता है जब हमारा मास जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. तभी तो एम से आर स्क्वायर वन होना चाहिए भाई. तभी तो जी रहेगा यहां पर. तो हम ये कहेंगे इफ m यानी कि मास ऑफ अर्थ r रेडियस ऑफ अर्थ. तो m दे रखा है मास ऑफ अर्थ, r दे रखा है रेडियस ऑफ अर्थ. तो हम ये कहेंगे कि इफ कैपिटल m इज इक्वल टू आर स्क्वायर देन स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम. और जब एम आर स्क्वायर के इक्वल है तो नीचे भी एम ही आ गया, तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया भाई. जब आर स्क्वायर एम के इक्वल है तो आपने आर स्क्वायर की जगह एम लिख दिया, तो एम से तो स्मॉल जी कैपिटल जी के इक्वल हो गया ना. इन्होंने क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? स्टेट द कंडीशंस. स्टेट द कंडीशंस अंडर विच स्मॉल जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कैपिटल जी. तो आप एक ऐसी कंडीशन बताएं जिसमें स्मॉल जी कैपिटल जी के इक्वल हो जाएगा. नहीं ये ट्रू नहीं है. ये ट्रू नहीं है कि कब हो सकता है वो इक्वल. वो तभी हो सकता है जब मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, है ना. तभी स्मॉल जी कैपिटल जी के इक्वल होगा. समझ गए? बस चलिए जी. आप पूछ रहे थे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, वो बताता हूं. हाँ जी. अब जरा देखिएगा जैसे रिमाइंडर थ्योरम है. क्या रिमाइंडर थ्योरम नहीं है? फैक्टर थ्योरम तो है ना. हाँ जी. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के. फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ
इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² माइनस 4x + k ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू बतानी है अगर के की वैल्यू बतानी है अगर एक्स माइनस वन इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो, ठीक है ये बताना है। तो हम ये कहेंगे यहां पर इसको लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी पी एक्स लिखेंगे, गुड इवनिंग, सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो लेट अस पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वन, x की वैल्यू वन हो गई। तो अब कहेंगे बाई फैक्टर थ्योरम पी वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, पॉलिनोमियल में अगर ये, अब जो जैसे x माइनस वन इसका फैक्टर बताया गया था, तो x माइनस वन को जीरो के बराबर रखा, जीरो के बराबर रखने पर x की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, ठीक है ना, x की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू 1 अब आप ओरिजिनल पॉलिनोमियल में डाल देंगे और पॉलिनोमियल में ये वैल्यू डालने पर रिजल्ट 0 के बराबर आएगा, फैक्टर थ्योरम ये कहती है, ठीक है ना, रिजल्ट 0 के बराबर आएगा। ये जो रिजल्ट है ना, एक्चुअली यही रिमाइंडर है, यही रिमाइंडर है। जब हम मान लीजिए 9 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9, क्योंकि 3 9 को डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये जो P1 is equal to 0 है ना, एक्चुअली ये रिमाइंडर ही है, क्योंकि वो उसका फैक्टर है, क्योंकि x माइनस वन फैक्टर है, इस वजह से रिमाइंडर 0 आएगा। तो P1 is equal to 0 इस पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे पॉलिनोमियल में, जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 × 1³ + 3 × 1² - 4 × 1 + k इज इक्वल टू जीरो। 4 × 1³, ये 4 हो गया, 3 × 1² ये 3 हो गया, ये -4 हो गया, प्लस के इज इक्वल टू जीरो, -4 + 4 कैंसिल आउट, 3 + k इज इक्वल टू जीरो, 3 को उधर ले जाएंगे तो k की वैल्यू क्या हो गई, -3, k की वैल्यू -3 हो गई। k एक अननोन है, तो वही इन्होंने पूछा था कि आप k की वैल्यू बताइए सच दैट x माइनस वन इज इट्स फैक्टर। हाँ लाओ, बताओ ना, बताओ बताओ बताओ, कोई भी दे दो, कौन सा 14, क्या करो, अरे एक क्वेश्चन तो करवा दूं, क्या हो गया, चलो एक क्वेश्चन देखिए जरा, फाइंड द रिमाइंडर Find the remainder when px is divided by gx. ठीक, तो देखिएगा इसका मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूं, px is equal to px is equal to 4x³ - 12x² + 14x - 3, ठीक है, ये px हो गया और gx हो गया 2x - 1, gx हो गया 2x - 1। तो आपको क्या करना है, आपको px को gx से डिवाइड करना है ना, तो
पुट जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू वन, तो x की वैल्यू हो गई 1/2, देयरफॉर रिमाइंडर यहां पर क्या करा था, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रखा, x की वैल्यू 1 आ गई, तो रिमाइंडर क्या आ गया था, p1, क्योंकि फैक्टर है वो उसका, तो इसलिए रिमाइंडर 0 आ गया। यहां रिमाइंडर क्या आ जाएगा, p 1/2, तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1/2 डालिए, 4 × 1/2 का क्यूब माइनस 12 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 × 1/2 गुड़ेगी माइनस 3, तो ये हो गया 4 × 1/2 का क्यूब इज 1/8 माइनस 12 × 1/4, 2 7 14 प्लस 7 माइनस 3, 4 3 12, 4 2 8, तो ये हो गया 1/2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3, 1/2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, 7 माइनस 6 इज प्लस का 1, तो रिजल्ट आ गया 3/2, सही है। जो डिवाइड जिसको करना है ना भाई, क्या कह रहे हैं वो, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है, तो जी एक्स को जीरो के बराबर रखो, जो एक्स की वैल्यू आ जाए उसको पी एक्स में डाल दो, खत्म, वही रिमाइंडर आएगा, बस। ये एग्जाम्पल आप पूरा नोट कर लो, इसकी हेल्प से बाकी तीनों पार्ट हो जाने, बस यही है, यही और कुछ नहीं है, ओके।